हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को आप देखोगे हर बार एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आराम से शांति से समझना है। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इको टाइप्स आर डिस्करेट एंटिटी बिकॉज दे हैव क्लियर डिफरेंस इन मोर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फिनोलॉजी इन रिलेशन टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आपको पता है इकोटाइप क्या होता है? इस टर्म को अगर आपको अच्छे से समझ में आई है, या मैं दोबारा बता देता हूँ बेसिकली इकोटाइप क्या होता है। मान लेते हैं कोई स्पीसीज ए स्पीसीज है ना, ये ए स्पीसीज है कोई, ठीक है, ये लो ए स्पीसीज बना दी हमने, ठीक है, ये ए स्पीसीज है और ये स्पीसीज किसी क्लाइमेट कंडीशन पे रह रही है, ठीक है। और किस उसकी मान लेते हैं कुछ ये सेम स्पीसीज, इसका हैबिटेट ये मान लेते हैं ये सेम स्पीसीज यहाँ आई है ना, और इसका हैबिटेट वन है, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका आवास मान लेते हैं, या इसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से कंडीशन ये है, और यही स्पीसीज मान लेते हैं यहाँ आई और इसका जो जो हैबिटेट है वो टू है, एंड हैबिटेट यानी कि आवास है जहां वो है, यानी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से यहाँ अलग कंडीशन है, ये टू है। तो ये जो होगी ना, ये और ये, अब ये सेम नहीं होगी, इसको मैं ए डैश लगा देता हूं और ये आपको ए डबल डैश लगा देता हूं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ या उसकी इन्वायरमेंट की कंडीशन की चेंज हुई है, इसकी वजह से जो स्पीसीज थी ना, है ना, उस वो अब क्या है, मॉर्फोलॉजी जो ये एक इकोटाइप है इसका, ये इकोटाइप हो गया, आपस में ये इकोटाइप है, ठीक है। देखो स्पीसीज बेसिकली एक ही थी, ठीक है, लेकिन उनको क्लाइमेट कंडीशन की चेंज होने की वजह से जो वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट मिला उसको, हैबिटेट वन और हैबिटेट टू मिला है ना, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, तो इनमें चेंज आ चुका है, जेनेटिकली भी चेंज आ चुका है ना, मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज आ चुका है, और ये फिक्स्ड चेंज हो गया, ठीक है ना। जैसे मतलब ये अब चेंज होगा वो हेरिडिटरी में आ जाएगा, ये चेंज होगा वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, जेनेटिकली भी चेंज होगा और ये मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज होगा, ये होता है एक तरह से इकोटाइप, मेरी बात समझ रहे हो। तो इकोटाइप आर डिस्क्रीट एंटिटी बिकॉज दे हैव क्लियर डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फिनोलॉजी इन रिलेशन टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन है, इसका हैबिटेट वन है, इसका हैबिटेट टू है, तो यहाँ पे ये दो जो इनके अंदर डिफरेंस है वो बिल्कुल है, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंस है, जेनेटिकली भी डिफरेंस है, वो फिक्स्ड है, मतलब वो हेरिडेटरी में आ जाएगा, वो फिक्स रहेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस इन इकोटाइप्स आर नॉट हेरिटेबल एंड डोंट हैव अडप्टिव वैल्यूज टू ए पर्टिकुलर हैबिटेट। ये तो नोट आ गया ना, ये गलत है। अभी मैं आपको बता रहा था कि इन्वायरमेंट से इंड्यूस्ड जो वेरिएशन आए हैं इकोटाइप्स में, वो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज हो जाता है, और ये हेरिटेबल होते हैं, परमानेंट आ जाते हैं, ये फिक्स्ड हो जाते हैं, तो ये नॉट हेरिटेबली, ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये इको टाइप्स है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे कंसेप्ट हर बार आपके पेपर में मिलते हैं इको टाइप से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की है, ये भी ध्यान रखना। इको टाइप है वो किसने प्रपोज किया, ये ट्यूरेशन ने प्रपोज किया 1922 में, ध्यान रखना है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किन्होंने ये इको टाइप है वो शब्द दिया, किसने प्रपोज किया, तो ट्यूरेशन ने, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, टू द ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल रेसेस और सब स्पीसीज ऑफ स्पीसीज अबाउट डिफरेंट इन्वायरमेंटल और हैबिटेट कंडीशंस, ठीक है। और इकोटाइप्स आर डिस्क्रीट एंटिटीज विद क्लियर डिफरेंस विद सेपरेट वन इकोटाइप फ्रॉम अनदर, जो पहला स्टेटमेंट हमने सही किया वो इसी बेस पे कि बिल्कुल डिफरेंस होते हैं जेनेटिकली भी और मोर्फोलॉजिकली भी। दीज आर इंटरफर्टाइल फॉर्म्स, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक बार पेपर में मिस प्रिंट होके आए, इंटरफर्टाइल होते हैं क्योंकि स्पीसीज तो सेम ही रही ना, स्पीसीज सेम है, क्योंकि इसीलिए तो स्पीसीज एक ही बोल रहे हैं, अलग अलग नहीं बोल रहे। दीज आर इंटरफर्टाइल फॉर्म ऑफ बायोटाइप्स ऑफ ए स्पीसीज विच पजेस डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, देखो डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन हो जाता है, ध्यान रखना, और जीनोटाइप, जीनोटाइप इसका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है।
एंड अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड आइसोलेशन, इसकी वजह से, यानी कि इसका जो जीनोटाइप है या फिर जो जेनेटिकली कंपोजिशन है वो डिफरेंट आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। लेकिन ये इंटरफर्टाइल होते हैं, ये याद रखना, इंटरफर्टाइल होते हैं क्योंकि स्पीसीज तो वही है ना, बेसिकली स्पीसीज का ग्रुप तो वही है, तो ये इंटरफर्टाइल तो होता है, लेकिन जो चेंज आए हैं वो जीनोटाइप भी आ जाते हैं, ठीक है, और बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज आ जाते हैं। तो इकोटाइप इज द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक रिस्पॉन्स ऑफ ए पॉपुलेशन टू ए हैबिटेट। इन इकोटाइप अडेप्टेशन आर इररिवर्सिबल, ये भी पॉइंट याद रखना, जो इसके अंदर अडेप्टेशन आ जाते हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं। इररिवर्सिबल का मतलब आप समझ रहे हो, इररिवर्सिबल मतलब चेंज वापिस नहीं होगा, वो परमानेंट यानी कि फिक्स हो चुका है। दे रिटेन देयर फीचर इवन वेन प्लांटेड इन न्यूट्रल हैबिटेट, अगर उसको दोबारा किसी न्यूट्रल हैबिटेट में भी आप करोगे तो वो उसमें रह जाएगा, नहीं हेरिडिटी में आ जाएगा। तो इसलिए आपने वो जो सेकंड स्टेटमेंट था वो हमने गलत किया, ये आपको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, इन कंसेप्ट को ध्यान रखना। चलो इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, और सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन वो इस बात की कि पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस के भी हमारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं। जो बच्चा पेपर टू का इन्वायरमेंट साइंस का कोर्स हमारा ज्वाइन करेगा उसके घर में फिजिकली बुकलेट्स भी जाएगी जिसमें 10 की 10 यूनिट्स होंगी, बिल्कुल थ्योरी जो हम पढ़ाते हैं बिल्कुल वो जाएगा। तो पैकेज ये भी हो गया, और आपको कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन swmg, और ये अपना कॉन्टेक्ट डिटेल है। इसमें आपके पास पेपर वन की भी बुकलेट जाएगी अगर आप कॉम्बो पैकेज लेते हैं, और तो पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस की भी बुकलेट्स आपके पास जाएगी। तो स्टडी मटेरियल भी आपके हाथ में होगा, वीडियो लेक्चर्स भी आपके हाथ में होंगे, मतलब आप देख सकोगे। तो बहुत ही बढ़िया वाला सेशन रहने वाला है, और दिसंबर तक, जो दिसंबर है उसके लिए हमने एडमिशन ओपन कर दिया है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमने जैसे ईवीएस पे 25% ऑफ है, ठीक है, और कॉम्बो पैकेज अगर लेता है पेपर वन और पेपर टू तो 35% ऑफ है। ये विद स्टडी मटेरियल है, जिसमें आपको अगर सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस लेना है तो 5625 का है, 5625 रुपए का, और कॉम्बो पैकेज लेना है तो 8450 का है, ठीक है। इसमें दोनों पेपर होंगे, बुकलेट्स भी दोनों की आएंगी। और हाँ, ये जो ऑफर है मैं आपको बता देता हूँ, 5 सितंबर तक है फ्रेंड्स, ठीक है, 5 सितंबर 2024, इसी 5 सितंबर तक ये ऑफर है। इसमें जो कंसेशन है वो, ठीक है ना, उसके बाद ये जो परसेंटेज है ये कम हो जाएगा, जो 25% ऑफ है और 35% है वो। तो अगर आप विलिंग है तो आप दिसंबर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो फरवरी तक रहेगी, 2 फरवरी तक रहेगी, ध्यान रखना, 2025। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज ए नेचुरल पेस्टिसाइड दैट हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर सेंचुरीज, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड है जो प्राकृतिक रूप से है और जो हम लोग उसको बहुत ही सदियों से यूज कर रहे हैं, तो वो है पायरेथ्रिन, याद रखना। और ये कहाँ से मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली जो फूलों से निकालते हैं, कौन से फूलों से निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पायरेथ्रिन्स आर पेस्टिसाइड्स फाउंड नेचुरली इन सम क्राइसेंथेमम फ्लावर्स, यानी कि जो गुलदाउदी के फूल हैं उसमें से ये निकलता है पेस्टिसाइड। दे आर ए मिक्सचर ऑफ 6 केमिकल दैट आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स, है ना। पायरेथ्रिन्स आर कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल मॉस्किटो, फ्लीज, फ्लाइज, आंट्स एंड मेनी अदर पेस्ट, है ना, याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो एग्जाम हुआ था आपका, एक बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ है ना, जो अभी कैंसिल हुआ था जून वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना है, रिपीट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज बिलोंग कोऑर्डिनेटेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जो हम NAPCC की बात करते हैं, है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये टोटल आपको पता है 8 है, कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से देखो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द DST, यानी कि जो 8 हमारे पास NAPCC है उसमें से कौन कौन से ऐसे जो गोल है बेसिकली, है ना, जो NAPCC में, वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेट और इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, उन 8 में से 2 ऐसी जो है मिशन है बेसिकली, वो किससे, वो कौन कौन से हैं, एक तो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, यानी कि ये बी, और एक है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो दोनों है ना बेसिकली,
ये दोनों को जो मिशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है वो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखना, बड़ा घुमा के और अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा? बी और सी आ जाएगा। तो मैं अभी आपको वो आठों दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका राइट आंसर बी एंड सी आएगा, ठीक है। चलो मैं हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो द मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इज, ये लिस्ट मैंने नीचे रख दी है, ये आठ है एनएपीसीसी में। आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि एनएपीसीसी में आठ कौन कौन से हैं, तो नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये आठ एनएपीसीसी है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडिंग एनएपीसीसी, तो आपको ये ध्यान रखना है। बेसिकली अब इसको मैं जो हम आपको इन्फॉर्मेशन पूछी थी वो बता दूं, ऑल द मिशंस आर गवर्न्ड बाय एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये सारे के सारे गवर्न किसके द्वारा किए जा रहे हैं? MOEFCC द्वारा। लेकिन किसके अलावा, जो एक तो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम और एक नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये गवर्न किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और बाकी के है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। और आपको पता है ये एनएपीसीसी कब आया? 2008 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप मिला मत देना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी आठ है, ठीक है, कहीं आप इसमें मिक्स कर दो, ये वो अलग है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, ये भी आपके इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप देखे जाना कि मिलेनियम कौन कौन से हैं, सस्टेनेबल कौन कौन से हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका पार्ट कौन सा नहीं है? तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम सारी बात करते हैं, सोर्स रिडक्शन से लेके लास्ट तक, यानी कि डिस्पोजल तक बात करते हैं। तो इसमें कौन सा है जो मैनेजमेंट में नहीं आता? सोर्स रिडक्शन तो आता है, डिस्पोजल भी आता है, रिसाइकलिंग भी आता है, कौन सा नहीं है इसमें? लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये बेसिकली नहीं आएगा जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और से क्लियर कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एन अप्रोच इंटेंडेड हेल्प गाइड डिसीजन अबाउट द जनरेशन ऑफ वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रेजिड्यूज। ये बिल्कुल ठीक बात है, सारा यही चीजें होती है जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अप्रोच यही है। सेकंड कह रहा है कि सोर्स रिडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कह रहे सोर्स रिडक्शन है वो पार्ट नहीं है। आप बताओ इस बात से सहमत हो क्या? सोर्स रिडक्शन तो है ना, बिल्कुल है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बात की है। तो सोर्स रिडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ, ये गलत हो जाएगा, पार्ट है बिल्कुल। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, वो राइट ऑप्शन हो गया, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा लिख भी दिया है, ये भी ध्यान रखना, जो ISWM है यानी कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इज ए सिस्टम अप्रोच टू द रिडक्शन कलेक्शन कंपोस्टिंग रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कंप्लीट है। देखो शुरू से लग रहे हैं हम, रिडक्शन रिडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक। दिस अप्रोच कंसिडर द इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ सोशियल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, सब डायमेंशन को ध्यान में रखकर काम हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ सोर्स रिडक्शन, अगर सोर्स रिडक्शन की बात करें तो क्या एग्जाम्पल है? जैसे हम सोर्स पे रिडक्शन कर दें, वेस्ट को जनरेट ही नहीं होने दें, जैसे पैकेजिंग पे ध्यान रखें, ज्यादा पैकेजिंग पे वेस्ट ना करें। जैसे आप किसी को गिफ्ट देने जाओ, उसको डालाओ, फिर उसको पन्नी डाली, ये वो, आप सोर्स पे रिडक्शन कर दो, उतना यूज ही मत करो, ठीक है ना। और जैसे लॉन्ग लास्टिंग गुड्स लेना चाहिए, ये सब सारी चीजें आ जाएगी सोर्स रिडक्शन में, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और याद रखने वाले हैं एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझ गए होंगे आप बेसिकली, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आप पेपर देने जाओ तो ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में,
या नोट नहीं पढ़ते हैं, तो प्लीज एग्जाम में बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके पेपर देना होता है और देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो या फिर उसको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना, हाँ यार इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि पहले सबसे कम और उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम, लोअर टू हायर, है ना, ऑर्डर ऑफ देयर मिक्सिंग रेशियो इन द एटमोस्फेयर। तो ये सारी जो आपको गैसेस दी हुई है, बेसिकली आपको देखो इसमें गैसेस का ये जो ट्रेस गैसेस है पूरी, वैसे अगर नॉर्मल आ जाती ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो आप कर देते, अब ये आपको बहुत कम कम मात्रा में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कई और भी बताऊंगा आपको, मतलब किसका कितना परसेंटेज है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले इनमें सबसे कम किसका है, सबसे कम अगर देखें ना परसेंटेज इनमें अगर एटमोस्फेयर में, तो सबसे कम है जीनोन का, सबसे कम जीनोन का है, ठीक है, एक्सई जो है सबसे कम है। तो ये सबसे कम पहले लिखना है लोअर वाला। तो ऐसे दो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट और सेकंड। अगर इससे ज्यादा देखें हम, थोड़ा सा इससे ज्यादा हाइड्रोजन है इनमें, यानी कि ई के बाद बी आएगा, ई के बाद बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बन गया, ठीक है। यानी कि सबसे कम है जीनोन का, उसके बाद है हाइड्रोजन का, उसके बाद जो कंसेंट्रेशन है वो बेसिकली है क्रिप्टॉन की, उसके बाद है इनमें कंसेंट्रेशन हीलियम की, और सबसे ज्यादा इसमें जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में इनमें वो है नियोन की। तो ये सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो गया। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, वो एग्जाम में ध्यान रखना और इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कंसंट्रेशन थोड़ी ध्यान रखना। जैसे आपको पता है अगर एटमॉस्फेयर में बात करें, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, लगभग 78% हो गया, ठीक है। ये पीपीएम में है आपके पास, पार्ट्स पर मिलियन में है, ठीक है ना, पीपीएम की बात करें और ये परसेंटेज में है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद लगभग 21% ऑक्सीजन है, और आर्गन है 0.934%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, याद रखना, ठीक है, ये है। उसके बाद देखो नियोन है ना, ये देखो परसेंटेज, आप पीपीएम में देखो तो 18.18% पीपीएम है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। हीलियम की बात करो तो 5.24 पीपीएम है, ठीक है। अगर मीथेन की बात करो तो लगभग 2 पीपीएम है, ठीक है ना, और क्रिप्टॉन की बात करो तो लगभग 1.14 पीपीएम है, और हाइड्रोजन की बात करो तो 0.5 पीपीएम है, और जीनोन की बात करो तो 0.087 पीपीएम है, ठीक है। तो सबसे कम अगर इसमें देखें तो यही तो था सबसे कम, और सबसे कम से ज्यादा जाना था, तो सबसे कम था, फिर हमने हाइड्रोजन लिया, फिर हमने क्रिप्टॉन लिया, फिर हमने हीलियम लिया, और फिर हमने नियोन लिया, देखा आपने। तो ऊपर ये सबसे ज्यादा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा हूँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, और नीचे से ऊपर लाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अरेंज द फॉलोइंग सरफेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्बेडो, एल्बेडो की बात कर रहा है, और क्या होता है आपको पता ही है कि जो सन की रेज आती है उसको कितना रिफ्लेक्ट कौन करेगा, और सबसे ज्यादा जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उसने ही ज्यादा उसका एल्बेडो की बात होती है, तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। तो इसमें अरेंज करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये ध्यान रखना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा आएगा, फिर थोड़ा उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ऐसा ही होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत गलतियां होती है पेपर में। तो अगर इसमें सबसे ज्यादा एल्बेडो देखो तो आपको पता है सबसे ज्यादा फ्रेश स्नो जो होती है इसका सबसे ज्यादा होता है, फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा एल्बेडो होता है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है वो, तो फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा तो सबसे पहले ही आएगा, फिर उससे कम, तो सबसे ज्यादा डी, ये यही आ गया ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो गया देखो, तो सबसे ज्यादा फ्रेश स्नो का है, उसके बाद थोड़ा उससे कम हो गया ओल्ड स्नो का, ठीक है, उससे कम किसका हो गया फॉरेस्ट का, उससे कम कितना किसका हो गया सैंड का, और इनमें सबसे कम अगर बात करें, नहीं उसके बाद अगर इसकी बात करें देखो सबसे कम इसका है फॉरेस्ट का, ठीक है, और क्योंकि जो अर्थ का है वो लगभग 31% होता है और फॉरेस्ट का लगभग 15% के लगभग होता है, ठीक है ना। तो अब ये मानो तो यहाँ पे अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कौन है, फॉरेस्ट का है, क्योंकि अगर सोयल की बात करें सैंड की तो लगभग 40% की तक की बात कर लेते हैं हम, और स्नो की बात तो लगभग 70-80% पहुंच जाता है, तो ये तो आ गया। फिर इसमें सबसे कम हमारे पास कौन सा आ गया, फॉरेस्ट सबसे कम है देखो लगभग 15%, तो सी ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं कुछ आपको टेबल दिखा देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है कि एल्बेडो क्या होता है, कितना परसेंट है। देखो एल्बेडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट ए सरफेस रिफ्लेक्ट्स,
सीधी सी बात है, कितना रिफ्लेक्ट करता है सरफेस, इट इज ऑल रिफ्लेक्टेड, द एल्बेडो इज इक्वल टू वन, यानी कि अगर सारी रिफ्लेक्ट होगी तो एल्बेडो कितना हो गया, वन हो गया, क्योंकि सारी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अगर 30% रिफ्लेक्टेड है तो एल्बेडो कितना है, 0.3 है, सीधी सी बात है, 30% हटाएंगे तो 2200 लिखेंगे, सीधी बात होगी, है ना, ठीक है, परसेंटेज की बात होगी तो 30% है, ठीक है। द एल्बेडो ऑफ अर्थ सरफेस, एटमोस्फेयर, ओशियन, लैंड सरफेस डिटरमाइन हाउ मच इनकमिंग सोलर एनर्जी और लाइट इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, कितना जाता है। जैसे फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था, लगभग 15% एल्बेडो होता है, अर्थ की लगभग 31% एल्बेडो होता है, ऐसे ही फ्रेश स्नो का लगभग 80% है। देखो सबसे ज्यादा अगर एल्बेडो की बात करें तो फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। ये भी डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो एल्बेडो इफेक्ट है वो किसका है, सबसे ज्यादा फ्रेश स्नो का है। डेजर्ट सैंड का लगभग मैं बात कर ही रहा था 40% है, ग्रास का लगभग 25% है और ओशियन का लगभग 6% है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है, तो प्लीज ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको पता है कुछ रिएक्शंस के ऑर्डर की बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और कंजिक्यूटिव रिएक्शन। इनका मतलब क्या होता है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सीधी सी बात है जीरो ऑर्डर है तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वैसे तो ये होता है ना कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रिएक्शन तेज होती है, बेसिकली हम ये बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें आपको ये पूछा है कि किससे मैच करोगे, कौन सी इनमें रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है बाय एरोबिक बैक्टीरिया, वो एंजाइमिक रिएक्शन जो होती है बेसिकली, तो वहां पे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट में चलता रहता है। तो ए का बिल्कुल फोर आएगा, तो ए का फोर आएगा, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन ये और दो, ये दो बच जाते हैं, एक तो थर्ड नंबर और एक फोर्थ नंबर। तो और अब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होगा, बेसिकली ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है तो वो रिएक्शन तेज होगी। तो आपको पता जो डिकम्पोजिशन बेसिकली होता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे हम बीओडी टेस्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो बी का तीन, ए का चार, बी का तीन, ये दो हमारे पास हो गया। और कंजिक्यूटिव रिएक्शन से आप पहचान सकते हो, कंजिक्यूटिव रिएक्शन बेसिकली क्या होती है कि जैसे मान लो बीच में एकदम से प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, फिर प्रोडक्ट बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी कुछ रिएक्शन। तो जैसे कंजिक्यूटिव रिएक्शन में क्या होता है कि एकदम से डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं, बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो कंजिक्यूटिव का यहाँ पे जो एग्जांपल है, जो हैलोजन, जो हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो को मेटाबोलिक बायोट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो कंजिक्यूटिव रिएक्शन होती है बेसिकली। इनकी सबकी डेफिनेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डी का वन है, तो इस तरह का ऑप्शन डी का वन, इस तरह हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो गया। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है तो उसकी स्क्वायर पे कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, या जी या फिर दो रिएक्शन कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट है तो दोनों का जो मल्टीप्लाई करके कंसंट्रेशन का बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा, सेकेंड ऑर्डर है। जैसे मैं आपको डिफाइन करवाता हूँ, डेफिनेशन दिखा देता हूँ, इसका राइट आंसर फोर्थ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जहां पे जीरो ऑर्डर में कौन सा हो गया, जहां पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन टिपिकली सीन इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन वेयर द एंजाइम इज सैचुरेटेड, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया, जो हमने अभी मैच किया था, फिट दिस एज द बैक्टीरिया कैन कंज्यूम ग्लूकोज एट ए कॉन्स्टेंट रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्लूकोज कंसेंट्रेशन वंस सैचुरेटेड इज सैचुरेशन इज रीच्ड। तो ये जीरो ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जैसे हमने डीकम्पोजिशन की बात की थी बीओडी वाले में, ठीक है। तो ये हो गया, ये और एग्जांपल्स हैं, इनसे भी आपसे मैच करके पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में जैसे जिसकी रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो क्या किस पे डिपेंड करेगी, इज वन हुज रेट इज proportional to the square of concentration of one reactant, अगर उसमें one reactant है तो उसका जो रेट है वो उसका जो कंसंट्रेशन उसके स्केयर पे डिपेंड करेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एज ए रिएक्शन रेट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट का उसका प्रोडक्ट यानी कि गुणा करके वो उस पर डिपेंड करेगा। सच रिएक्शन जनरली हैव द फॉर्म ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो जैसे बेसिकली मोनोमर्स मिलके बनाते हैं ना, डाइमर बनाते हैं, जैसे पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं, मोनोमर बन गए, फिर तो दो जुड़ के फिर वो बन गया डाइमर, तो उसी तरह से ये भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा ना। तो जैसे डाइमराइजेशन रिएक्शन इज टू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर कंबाइंड टू फॉर लार्जर मॉलिक्यूल डाइमर, ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, जो हमने पीछे अभी बात की। और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म ए इंटरमीडिएट एंड द इंटरमीडिएट फॉर्म द प्रोडक्ट इन वन और मेनी सब्सिक्वेंट रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, यानी कि पहले डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बेसिकली पहले इंटरमीडिएट बनेगा फिर प्रोडक्ट बनेगा, तो ये होती है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर वन और जीरो ऑर्डर क्या रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। जैसे आइसोथर्म क्या होता है, थर्म हो गया तो टेम्परेचर की बात होगी, तो टेम्परेचर यहाँ है तो डी का तो 4 आ रहा है कि शो द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, आइसो है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी का आ रहा है 4। एल्बेडो हमने बात की थी रिफ्लेक्शन से संबंधित है तो सी का 1 आ रहा है, तो सी का 1 और डी का 4, ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी का 1 और डी का 4, तो ऐसे ऑप्शन हमारे पास 2 है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। अब जो पेरिहेलियन होता है वो क्या होता है, जब ये है ना वो टाइम है ये जब अर्थ कम्स क्लोजर टू द सन, है ना, जब अर्थ है पृथ्वी है जो सूर्य के बिल्कुल पास आती है तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। तो ये ए का 2 आएगा बिल्कुल, तो ए का 2 आना चाहिए और डी का 4 आना चाहिए और सी का 1, ए का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 4 हो गया, और ये जो है एफिलियन है, ये है अर्थ है वो दूर जाती है, अर्थ लिटल फार्दर फ्रॉम द सन, तो राइट आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, थर्ड आ गया, थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टर्म्स भी मैं आपको बता देता हूँ, पेरिहेलियन क्या होता है, अर्थ कम क्लोजर टू द सन, याद रखना, और एफिलियन क्या होता है, अर्थ लिटल फार्दर फ्रॉम द सन, ध्यान रखना। तो ए का हमने मैच किया है 2 और बी का हमने मैच किया है 3, ठीक है, और एल्बेडो का हमने रिफ्लेक्शन 1 और डी का हमने किया है 4, तो ये राइट आंसर थर्ड हो गया। जैसे अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो पेरिहेलियन इज द पॉइंट वेयर द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है, 91.4 मिलियन माइल्स या फिर हम कह सकते हैं 147 मिलियन किलोमीटर, ये पेरिहेलियन की कंडीशन है। दिस अकर अराउंड जनवरी 3rd एवरी ईयर, 3 जनवरी को हर साल। और एपिहेलियन इज द व्हेन आवर प्लेनेट रीचेस द एज द फार्दस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, 94.5 मिलियन माइल्स या फिर 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, और ये 4 जुलाई के अराउंड होता है कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, सब पढ़ के अच्छा लग रहा है। और ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म, एमेंशियलिज्म, कॉमेंशियलिज्म, म्यूचुअलिज्म, तो ये तो बिल्कुल आप कर ही लोगे, तो हलवा क्वेश्चन हो गया आपके पास, है ना। नेचुरलिज्म का नाम ही बता रहा है कि ना तो इसमें कोई भी स्पीसीज है अफेक्ट नहीं होती, तो ना इधर स्पीसीज इज अफेक्टेड बाय ईच अदर, तो ये हो गया। एमेंशियलिज्म में है कि आपको एक स्पीसीज ए इज इनहिबिटेड, बी इज नॉट अफेक्टेड, ये तो हम बात करते हैं। कॉमेंशियलिज्म, स्पीसीज ए इज बेनिफिटेड विद बी रिमेन अनअफेक्टेड, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को हो जाएगा। इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ स्पीसीज एंड आर ऑब्लिगेटरी, तो 1, 2, 3, 4 हो गया, राइट ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया इसका, तो ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो बिल्कुल आउट हो जाते हैं एग्जाम से, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत एग्जाम को बहुत शांति से देना है, बिल्कुल रिलैक्स होके चित्त को शांत करके आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। और मैं फिर आपको बैच की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और मैं फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि पेपर 2 एनवायरमेंट साइंस का स्टडी मटेरियल भी हमारे पास आ चुका है, और वो भी हम आपको हार्ड कॉपी, जैसे ही आप कोर्स लेते हैं तो हार्ड कॉपी डिस्पैच करेंगे आपके पास, फिर हार्ड कॉपी भी होंगे, वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, ऐसा ही पेपर 1 के लिए है और ऐसा ही पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस के है। कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना नंबर है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट साइंस पे जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है 25% चल रहा है, और कॉम्बो पैकेज पे यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 EVS पे 35% ऑफ चल रहा है इस पे कॉम्बो पे। तो ये जो छूट है, ये बेसिकली जो ऑफर है, ये स्टडी मटेरियल के साथ ही है, स्टडी मटेरियल भी आएगा,
ये बेसिकली है, मैं आपको बता दूं 5 तारीख तक, 5 सितंबर 2024 तक है। इसके बाद ये जो डिस्काउंट है ये थोड़ा कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर कॉस्टिंग भी ऐड हो जाती है बुक्स वगैरह की, लेकिन अभी हम नहीं आई है तो बुक्स अभी भी इसी के साथ दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपने चित्त को शांत रखते हुए पेपर देना है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल चित्त शांत रखना, अच्छे से एग्जाम देना, टाइम मैनेज करते हुए चलना। और जब भी आपको यूं लगे कि बहुत टेंशन हो रही है, पेपर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो बिल्कुल एक डीप ब्रीथ करना है ना, एक डीप ब्रीथ करोगे तो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है प्रॉपरली, है ना, और फिर आपका माइंड को रिलैक्स फील होता है। फिर क्योंकि एक बार नजरे गड़ा के बहुत देर तक स्क्रीन को देखते हो तो इरिटेशन हो जाती है, तो बीच में जैसे 5-7 क्वेश्चन करा, फिर थोड़ा सा आंखें बंद की सो मत जाना, सर नींद थोड़ी आएगी, हाँ थोड़ा आंखें बंद की, रिलैक्स हुए, डीप ब्रीथ किया, हल्का सा पानी पिया, फिर अपना शुरू कर दिया करना, फिर ऐसे करना एग्जाम को रिलैक्स होके बिल्कुल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इस एग्जाम में टाइम कम तो पड़ता ही नहीं है, टाइम तो बहुत ज्यादा है, बहुत सही है, क्योंकि टिक करना है, ऑब्जेक्टिव बहुत आराम से कर सकते हो अगर आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन वाली तो बात आजकल रही नहीं भाई, सोच समझ तो अच्छे से होनी चाहिए, और आपने अच्छे से रिवीजन किया तो हो जाएगा, टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।